वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी को दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके। हेलो एवरीवन, मैं समीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, स्मार्टफोन ने एक अपना नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है आज, जिसका नाम सचिन रमेश तेंदुलकर रखा गया है। SRT स्मार्टफोन है और आज इस वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड बात करने वाला हूं। तो चलिए इसकी फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलेगी। इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, साथ में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पीछे की तरफ आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और इसमें 1000 mAh की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड बैटरी दी गई है। दोस्तों, इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 652 दिया गया है, जो कि एंड्रीनो 510 GPU के साथ आता है और इसमें 4GB की रैम दी गई है। दोस्तों, ये दो वेरिएंट में आता है, 32GB और 64GB। लेकिन दोस्तों, इसमें एक्सपेंड आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड वर्जन 7.1 यानी कि नोकोड पे रन करेगा और इसकी प्राइस की बात करें तो ये 13,000 रुपये में 32GB वाला वर्जन मिलेगा आपको और 14,000 रुपये में 64GB वाला वर्जन फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा आपको। दोस्तों, अगर इसके बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसमें एक बॉक्स में आपको एक स्मार्टफोन मिल जाएगा और इसके चार्जर मिल जाएगा, उसमें आपको हेडफोन नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको हेडफोन बाहर से लेना पड़ेगा इस फ़ोन के लिए। अब ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो एक ठीक ठाक फ़ोन है, 13,000 रुपये के प्राइस रेंज में देखा जाए तो। आप लेना चाहें तो फ्लिपकार्ट के ऊपर से ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में हैं दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पहले इस वीडियो को हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।